नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने फॉर्म भरा था CCC का कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है, अगर आपने एग्ज़ाम दिया था तो उसका रिजल्ट आ चुका है। अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ था, अगस्त 2019 का रिजल्ट जारी हो चुका है। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आपको मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कैसे आपको रिजल्ट डाउनलोड करना है CCC का, अगर आपने एग्ज़ाम दिया था तो। लाइन पर बने रहे हमारे साथ, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी सरकारी नौकरी की नई सूचना आती है, एग्ज़ाम की हो, रिजल्ट की हो, एडमिट कार्ड की हो, आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर देखने को मिलता है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है सर्च बाय रोल नंबर, सर्च बाय कैंडिडेट नेम एंड सर्च बाय एप्लीकेशन नंबर। अगर आपके पास रोल नंबर है तो उससे आप चेक कर सकते हैं आप अपना CCC का रिजल्ट, ठीक है। अगर नहीं है तो आप अपने नाम के अनुसार चेक कर सकते हैं रिजल्ट, ठीक है, दोनों मैंने बता दिया। और तीसरा आपका एप्लीकेशन नंबर के अनुसार आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तीनों में से कोई एक अगर आपके पास अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन, तो आप चेक कर सकते हैं आप अपना रिजल्ट CCC का, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट का जो एग्ज़ाम होता है, आपको पता होगा NIELIT के द्वारा होता है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का फुल फॉर्म होता है, NIELIT का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं। और इसमें CCC का एग्ज़ाम वही लोग देते हैं जिनको कंप्यूटर के लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो उसका रिजल्ट जारी हो चुका है अगस्त में, अगर आपने फॉर्म भरा था अगस्त में एग्ज़ाम दिया था तो उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। आप डाउनलोड करके देख सकते हैं किस ग्रेड से आप पास हुए हैं, ए ग्रेड से हुए हैं या बी ग्रेड से हुए हैं या सी ग्रेड से या डी ग्रेड से या A+, B+, C+, D+, ऐसे ग्रेड मिलते हैं पास होने के लिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है। अगर आपको रोल नंबर से चेक करना है अपना रिजल्ट, तो यहाँ पे रोल नंबर पे देखिए, यहाँ पे सिलेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस वाले सेक्शन में, एग्जामिनेशन ईयर, किस साल में आपने एग्ज़ाम दिया था, एग्जामिनेशन नेम और रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे कैप्चा, यहाँ पे जो कैप्चा डाल के आप चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ चेक करने का तरीका। इस पर आप ओपन करेंगे तो 2019 से यहाँ पे देख सकते हैं 2019 ओपन हो गया। इस पर क्लिक कर देंगे तो 2019 पे क्लिक हो गया, ठीक है। पहला सेक्शन में तो हो गया, यहाँ पे देख लीजिए। और दूसरा सेक्शन में आपको बता रहा हूँ कैसे चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट वन, तो यहाँ पे अगस्त 2019 दे देगा। जिस भी महीने में आपका एग्ज़ाम होगा उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। अगर आपने जून में एग्ज़ाम दिया है तो उसका रिजल्ट देख सकते हैं, मई में दिया है तो उसका रिजल्ट देख सकते हैं, मार्च में, फरवरी में 2019 में, सभी मंथ का रिजल्ट यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, आ गया है अगस्त महीने का रिजल्ट जारी हो चुका है CCC का, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट का रिजल्ट जारी हो चुका है। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इस वाले सेक्शन में आपको रोल नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डालना है डेट ऑफ बर्थ, DOB का मतलब होता है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको डालना होगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है, कैप्चा इस वाले नव सेक्शन में डालेंगे, ये जो नीचे में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, आपको मैंने बता दिया सब कंसेप्ट, मैंने आपको बता दिया कैसे आपको चेक करना है सभी तरीकों से। यहाँ पे व्यू करेंगे तो आपका रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। धन्यवाद।